देख सकते हैं इट्स अ वी मॉडल कार, फॉग लाइट नहीं आती है गाड़ी में, फॉग लाइट लगाई हुई है एलईडी में, ट्राई रिंग वाली व्हाइट लाइट भी इसके अंदर दी हुई है एंड दिस इज द फॉग मोड, येलो मोड, टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, व्हाइट लाइट भी दी हुई है, येलो लाइट भी दी हुई है। सो ऑनिक्स डीआरएल का सेटअप देख सकते हैं, फॉग लाइट देख सकते हैं, जो रेगुलर मिरर्स आते हैं विद अ रेगुलर फ्लैशिंग इंडिकेटर उसको रिप्लेस करके डबल लेयर मिरर हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुलेट एलईडीज के साथ ये आते हैं। तो बुलेट मिरर का खाली लुक देख सकते हैं ब्रीजा के कैप के ऊपर एंड द न्यू इंट्रोड्यूस्ड जो वेंट्स भी हमने लगाए हुए हैं, बुलेट वेंट्स ये गाड़ी के अंदर लगाए हुए हैं जैसे रेंज रोवर इवोक में आता है। तो एक रेंज रोवर का कॉन्सेप्ट है क्योंकि वाइट एंड द फुल बॉडी हैज बीन कोटेड इन द विनाइल पियानो ब्लैक, बट जो वीडियो बनाने का भी पर्पस है इज टू इंट्रोड्यूस द न्यू लॉन्च्ड टेल लाइट। जैसे ही ऑन ऑफ एज सून एज वी ऑन द टेल लाइट मोड्स देख सकते हैं, वेन यू टर्न ऑन द मोड, जैसे कि 35-40 लाख की गाड़ी में हम देखते हैं कि ये सिस्टम आता है, तो जब ये स्टार्ट होती है तो एक इसका इंट्रोडक्शन है ब्रेक मारने पे, पार्किंग ऑन करके ब्रेक मारना, ब्रेक मारना, ब्रेक पे यू कैन सी द डार्क मोड, रिवर्स देना, रिवर्स इट्स अ व्हाइट मोड एंड इंडिकेटर, पार्किंग लाइट ऑन, इंडिकेटर, इंडिकेटर पे लोग देख सकते हैं। सो फोर डिफरेंट मोड्स के साथ आती है, फेसलिफ्ट मॉडल में ऑलरेडी एलईडी टेल लाइट कंपनी दे रही है बट ये टेल लाइट की कुछ बात और है, एक स्पेशली व्हाइट कार पे पियानो ब्लैक रूफ करने के बाद एंड व्हेन इन द ऑफ, टोटल ऑफ कर देना एकदम, इट्स इन द ब्लैक स्मोक लुक। यस, जो कंपनी की रेगुलर टेल लाइट रेड फिनिश आती है, ये जैसे रूफ भी हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है, व्हाइट एंड ब्लैक का हमारा थीम है। ऑफ मोड पे खाली इसका लुक देख सकते हैं, ऑन होने के बाद तो अलग ही मजा है बट ऑफ मोड पे भी देख सकते हैं। वंस अगेन ऑन करना, रिफ्लेक्टर की लाइट्स हमने लगाई हुई है नीचे की तरफ देख सकते हैं, इंडिकेटर देना। सो द कंप्लीटली टेल लाइट, द गैलेक्सी टेल लाइट्स हैज बीन फिटेड इन द मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, क्रोमिंग हैज बीन डन, बट जैसे एक्सटीरियर में आपने इतनी अच्छी चीजें देखी है, द टोटली न्यू लॉन्च कार्बन फाइबर स्टेयरिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंटीरियर ऑफ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, जो कंपनी का रेगुलर स्टेयरिंग आता है उसको रिप्लेस करके, यस हमने ना कोई स्टिकर चिटकाया है ना कोई स्टेयरिंग कवर सुई धागे से स्टिच किया है, इट्स अ कंप्लीट स्टेयरिंग, जो कंपनी का स्टेयरिंग निकल के इट्स अ कार्बन फाइबर स्टेयरिंग जो कम्प्लीटली हाइड्रोडिप होता है, एक एक टेक्सचर एंड एक एक ग्लॉस इस स्टेयरिंग का देख सकते हैं, फिनिशिंग टोटली अलग लेवल पे है। सो खाली एक कार्बन फाइबर स्टेयरिंग इंस्टॉल करने से वी कैन जस्ट सी द एम्बियंस ऑफ द कार कि क्या लेवल पे चेंज हो जाता है एंड इसका ड्राइव के वक्त एक कंफर्ट, जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू में आप देखेंगे हाफ हाइड्रोडिप आता है, कट आता है,
रेस्ट इज अ प्योर लेदर स्टिच इंटरनली एजेस तक ये आता है एंड ये स्पेसिफिकली मारुति ब्रेजा के लिए ये डिजाइंड आता है। स्टेयरिंग कंट्रोल बिल्कुल आपके वो ही रहते हैं, वी आर जस्ट चेंजिंग द आउटर रिंग। एयरबैग आपका ही है, कंट्रोल आपके ही है, खाली ये रिंग पूरी की पूरी चेंज होके द कार्बन फाइबर स्टेयरिंग हैज़ बीन फिटेड इन द ब्रेजा। द सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डन ऑन द साइड डोर पैनल विथ अ एम्बियंस लाइट, इसके अंदर हमने की हुई है जो एम्बियंस लाइट सिंगल कलर पे जब रहती है इसका खाली गेटअप देख सकते हैं इन द डार्क मोड। द कार्बन फाइबर पैनल्स हमने जो रेगुलर टॉप मॉडल में सिल्वर फिनिश आते हैं, इट हैज़ बीन डन इन द कार्बन फाइबर ब्लैक एंड सिल्वर, जैसे कार्बन का हमारा थीम है। द सिल्वर लेदरिंग हैज बीन डन ऑन द डोर पैड्स। तो एम्बियंस लाइट भी जो हमने लगाई हुई है इट्स अ कम्प्लीटली मोबाइल ऐप बेस्ड, जो कलर पे आप हाथ रखते हैं, जैसे ये ब्लू पे हमने हाथ रखा है तो ब्लू ये हो जाती है, रेड के ऊपर ये करना रेड हो जाती है, ग्रीन पे करना ग्रीन हो जाती है। इट्स अ टोटली ऐप बेस्ड, यस रिमोट तो आता ही है बट रिमोट अगर गुम जाता है तो ऐप आपको डाउनलोड करनी है। एक खाली एम्बियंस लाइट लगाने से खाली साइड डोर्स पे हमने लगाई है एंड द इंटीरियर ऑफ द कार हैज़ बीन डन इन द ब्लैक एंड सिल्वर टोनिंग, जो हमारा पूरा थीम है चाहे वो कार्बन हो या ये। सो ब्लैक एंड सिल्वर जो गाड़ी का हमारा इंटीरियर है उसी टोनिंग में सीट कवर्स हमने लगाए हुए हैं ऑफ द टॉप गियर ब्रांड। खाली फिटमेंट देख सकते हैं एक कितने अलग लेवल पे आती है, टोटली ये बकेट के भी ऊपर की फिटिंग इसको हम लोग बोल सकते हैं। एम्बोस्ड पैटर्न है, बाकी कंपनीज जो है स्टिच वर्क दे रही है टॉप गियर का, इट्स अ मशीन एम्बोस्ड पैटर्न जो एक एक स्टिच की फिनिशिंग एक एक कॉर्नर पैनलिंग की फिनिशिंग देख सकते हैं कि कैसा है एंड क्या। वी मॉडल गाड़ी ये आती है, आर्मरेस्ट नहीं आता है गाड़ी में, फ्रंट आर्मरेस्ट लगाया हुआ है विद अ एडजस्टमेंट विद अ कप होल्डर एंड विद अ चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है। कोई लेमिनेशन वगैरह नहीं किया है गाड़ी में, डायरेक्टली इंजेक्शन मोल्डेड मैट्स आती है, इजी टू रिमूव जो भी डस्ट वगैरह है एंड इजी टू प्लेस। इंजेक्शन मोल्डेड मैट्स लगाई हुई है, इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप लगाई हुई है एज सून एज वी ओपन द डोर, ब्रीजा नेम एंड इल्यूमिनेशन उसमें देख सकते हैं। बट ऑडियो सेटअप जो हमने ये गाड़ी में किया हुआ है, वंस अगेन द क्रिस्टल क्लियर, नो वूफर नथिंग, बट रॉकफोर्ड फॉसगेट के पंच सीरीज के हमने लगाए हुए हैं कंपोनेंट आगे एंड पीछे उसी ब्रांड के कोएक्शियल लगाए हुए हैं। 14,000 रुपये के स्पीकर पड़ते हैं आगे के एंड पीछे के जो है 9,990 रुपया इसकी MRP है, 8,000 रुपये के पीछे के पड़ते हैं, 22,000 रुपीज के खाली। म्यूजिक सिस्टम भी हमने ये गाड़ी में लगाया हुआ है, क्रिस्टल क्लियर रॉकफोर्ड फॉसगेट, 22,000 रुपये के 4 स्पीकर हैं। प्लेयर जो हमने लगाया हुआ है JBL ब्रांड का हमने लगाया हुआ है, इट्स अ 2GB रैम 16GB मेमोरी विथ अ DSP जो इसके अंदर आता है, DSP सेटिंग्स के साथ है। चारों स्पीकर्स जो हमने लगाए हुए हैं एक ही स्पीकर 4 डिफरेंट मोड पे आप सुन सकते हैं, डॉल्बी डिजिटल, जूम थोड़ा सा करके भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, बेस द ओल्ड सॉन्ग्स के लिए क्लासिकल रॉक एंड पॉपुलर, एक थोड़ा सा इफेक्ट भी हम लोग सुनेंगे। कैसा लग रहा है जो साउंड सिस्टम हमने लगाया है, ये आपने मेरे को बोला था मेरे को अपने लिए चाहिए, हाँ। दुनिया के लिए नहीं लगाना है, 4-5 आदमी गाड़ी में बैठे हैं, क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए, बेस भी चाहिए, हाँ। दो रिक्वायरमेंट थी कि बेस भी चाहिए, हाँ। बट हूफर भी नहीं लगाना है, तो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है आप बताइए जरा देखने वालों को, कैसा साउंड का एक्सपीरियंस? साउंड का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मतलब वूफर की भी जरूरत नहीं है, उससे भी बेटर है, रॉकफोर्ड के महंगे आते हैं बट क्या वर्थ है कि नहीं है? वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है एंड क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी तो एकदम
क्रिस्टल क्लियर, एक एक बीट और एक एक पंच का इफेक्ट उसके अंदर मिले। ओके सर, तो फाइनल एक वॉक अराउंड में आप लोग को जरूर देना चाहूंगा। ऑनिक्स वीआरएस फॉग लाइट आप लोग देख सकते हैं, व्हील कैप कैरो टायर के रिप्लेस करके डुअल टोनिंग में लगाए हैं, ब्रीजा का ही डिजाइन है बट इट इज इन द सिल्वर एंड ब्लैक टोनिंग जो कंपनी के रेगुलर आते हैं उसको रिप्लेस कर दिया है। द ऑडी मिरर्स जो इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं विद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, द रेंज रोवर टाइप वेंट जो हम लोग ने इसके अंदर देखे हुए हैं, डोर वाइजर भी जो हमने लगाए हुए हैं इसमें ये क्लिपिंग के साथ आते हैं, ये बिल्कुल भी वो रेगुलर छिटकाने वाले नहीं हैं, ये क्लिप हुक के साथ आते हैं, एक बार गम निकल सकती है बट क्लिप अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्रोमिंग देख सकते हैं, एक साइड वेज से लुक देख सकते हैं कि ये टोटली ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट के साथ, जब टेल लाइट पूरी की पूरी चेंज की है, रिफ्लेक्टर लाइट लगाई हुई है, क्रोमिंग की हुई है पीछे की तरफ। एक इंटीरियर का भी लुक देख सकते हैं कि जस्ट वन व्यू में मैं ज़रूर आप लोग को बताना चाहूँगा, टॉप गियर के सीट कवर्स के साथ, द एम्बियंस लाइट के साथ, कार्बन फाइबर कॉन्सेप्ट के साथ, जो म्यूजिक सिस्टम का भी फ्रेम है इट्स हैज बीन कोटेड इन द कार्बन फाइबर, द लाइट जो नीचे एम्बियंस की आ रही है, द इंजेक्शन मोल्डेड मैट्स, इल्यूमिनेटेड फुटस्टेप एंड जो डोर में लेदराइट है वो भी सिल्वर कलर का हमने कोट किया है, मतलब जो पूरा दरवाज़ा काला आता था इट हैज़ बीन डन इन अ ब्लैक कार्बन सिल्वर एंड LED। तो एक ही पैनल चार हिस्सों में बाइफरकेट हो जाता है, गेट अप देख सकते हैं गाड़ी। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द ब्रीजा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सो ब्रीजा जो हमने कम्प्लीटली मॉडिफाइड देखी है कुछ ऑल द न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, चाहे वो स्टेयरिंग हो, चाहे वो सिस्टम हो, लाइट्स हो या जो भी चीज़ हो। ओनर ऑफ द कार सुरेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं सर शॉप पे एंड उनके लड़के हैं। कैसा लग रहा है ओवरऑल जो एक एक चीज़ लगाई है, वर्थ है कि नहीं है, क्या बोलेंगे देखने वाले? वर्थ है, मैं तो बोलता हूँ आपने जो चीज़ हमने एक्सेप्ट नहीं की थी उससे ज़्यादा हमको मिली है। बराबर, जो कम पैसे में हमको अच्छी सर्विस भी मिल रही है और पैसे का वर्थ भी दिख रहा है। स्टेयरिंग स्पेशलिस्ट क्या, बाकी चीज़ें देखिए हर जगह मिल जाती है बट स्टेयरिंग कैसा? स्टेयरिंग तो एकदम सुपर क्लियर है, साउंड इफेक्ट इतना अच्छा है कि पूछो मत। टेल लाइट तो सुपर भी किया, मतलब मन में नहीं थी, मन में फिर भी दिखाई और अंकल ने भी हमको मना नहीं किया कोई चीज़ में, उन्होंने बोला वैगनर लेने वाले थे बट वीडियो देख के ब्रीजा ली है तो कुछ जरूरत से ही कम नहीं किया है, ज्यादा ही सही करेक्ट है कि नहीं? वाजिब दाम भी अपने ठीक से लगाया मुझे, हर एक चीज़ किया, मेरा बजट नहीं था फिर भी मेरा मन किया, फिर आपने उसमें कम्फर्ट जब जोर भी मेरे को दिया, ब्लैक एंड व्हाइट हर चीज़ को हमने किया। और आपने एडिशनल मेरे को बगैर पूछे भी एडिशनल उसमें एक दो चीज़ें और भी लगा, आपने और भी चीज़ें लगाई अपने अपने ओर से, कैसी लग गई सर? ओके सर, थैंक यू करेंगे आपको, दोबारा गाड़ी आनी चाहिए। श्योर सर, फाइनल रिव्यू ऑफ द ब्रीजा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, प्राइजेस के लिए व्हाट्सएप करिए एंड डिस्क्रिप्शन में आइटम्स मेंशन हैं कि क्या चीज़ लगाई क्या नहीं लगाई। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग।